रिलीज से एक महीने पहले फिल्म सिम्बा फंस सकती है मुश्किल में, क्योंकि एक ब्रांड ने इस फिल्म के टाइटल को लेकर किया है कोर्ट केस। फिल्म सिम्बा फंस सकती है बड़ी प्रॉब्लम में, क्योंकि एक बेवरेज ब्रांड ने फिल्म के मेकर्स पर एलिगेशन लगाया है कि उनकी परमिशन के बिना सिम्बा टाइटल को फिल्म के लिए यूज किया गया है, और उनके ऑब्जेक्शन के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। सागर, एक बात यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सिम्बा जो कि एक बेवरेज ब्रांड है और इसके ओनर ने इनसे बहुत पहले बात करने की कोशिश की, मेल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की और दूसरे तरीकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी सिम्बा इंक्लूडिंग मिस्टर रोहित शेट्टी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब एक कोर्ट केस फाइल कर दिया गया है उसके बाद भी ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहते क्या है? बट कहा जा रहा है कि मई से उन्होंने ईमेल किया था टू द लीगल टीम एज वेल, नॉट ओनली द प्रोड्यूसर्स आल्सो। नॉर्मली जब मूवी के टाइटल को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, लाइक पद्मावत के साथ हुई, लव यात्री के साथ हुई, दैट इज अनदर इशू, बट दिस लुक्स लाइक अ जेन्युइन इशू वेयर ही इज पोजेसिव अबाउट हिज ब्रांड। इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इट इज ऑलरेडी अ ब्रांड, और अगर उस नाम पर सिम्बा फिल्म अगर आप बना रहे हैं विद द टाइटल व्हिच ऑलरेडी इज रजिस्टर्ड एज अ ब्रांड, आपको लीगैलिटीज तो पूरी करनी चाहिए थी, और जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज थे, पेपर वर्क था, दे शुड हैव क्लियर इट आउट सो दैट ये जो एक महीने पहले जो रिलीज के पहले वो मुश्किल में फंस रहे वो अवॉइड हो सकती है। इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पर ये पड़ी कि वो किसी भी तरह का मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला दैट सर, बहुत मेहनत से हमने इस बेवरेज ब्रांड के नाम को एस्टैब्लिश किया है, खड़ा किया है, बनाया है, एंड आप हमारा नाम यूज कर रहे हैं, प्लीज डोंट यूज इट। सो दिस इज व्हाट दे वांट। लेकिन इस सिंपल सी रिक्वेस्ट का जवाब ना देना, और अब इसका इतना बड़ा इशू बन गया क्योंकि एक कोर्ट केस फाइल हो गया, उसके बाद भी जवाब ना देना, क्या प्रोड्यूसर्स के दिमाग में ये चल रहा है इसको चलने दो अभी थोड़ा न्यूज़ में बने रहेंगे, थोड़ा इससे भी पब्लिसिटी मिल रही है। वेल, आई बेग टू डिफर बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ रणवीर सिंह, देयर इज अ रोहित शेट्टी, देयर इज अ करण जौहर एंड सारा अली खान ऑफ कोर्स, बट दे वुडंट वांट दैट काइंड ऑफ पब्लिसिटी, बट आई थिंक दे शुड क्लियर दिस आउट बिकॉज देयर इज समबडी हु हैज अ ब्रांड। Of course, मेहनत लगती है एक ब्रांड को खड़ा करने में। I hope कि जो लीगल टीम है सिम्बा की वो इस इशू को सॉर्ट आउट कर दे आउट ऑफ कोर्ट।